हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बहुत ही अच्छी होंगी। तो आज इस वीडियो हम बात करने वाले हैं रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का, जो भी स्टूडेंट्स थे जो यूजी और पीजीएन पीएचडी के लिए स्पोर्ट राउंड के लिए अप्लाई किए थे। पीजीएन पीएचडी का भी स्पोर्ट राउंड स्टार्ट नहीं हुआ था, यूजी का स्पोर्ट राउंड स्टार्ट हो गया था। तो यूजी की अभी यहाँ पे रिजल्ट अनाउंसमेंट हो गया है, तो रिजल्ट की हम बात करेंगे। और जो स्टूडेंट्स, मैंने कहा था पहले भी कि आपको यदि जैसे कोई अपडेट आएगी तो हम आपको अपडेट कर देंगे, तो जो भी हमारे सब्सक्राइबर थे तो उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और यदि आप भी पहली बार हमारे चैनल पर आए तो डियर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पीजी एंड पीएचडी के स्पोर्ट राउंड का काउंसलिंग का, ठीक है? स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग के लिए वैकेंसी यहाँ पे रिलीज कर दिया गया है, कैसे आप अप्लाई करोगे वो भी यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूजी के रिजल्ट का, कि किन किन स्टूडेंट्स का सीट अलॉटमेंट हुआ है और उनको कैसे फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है, कितनी किस डेट तक आपको वहाँ पे कॉलेज में जाना है, ठीक है? ये सारी बातें करेंगे। उसके साथ ही साथ हम पीजी एंड पीएचडी के कितना सीट वैकेंट सीट है उसकी हम बात करने वाले हैं, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कितना आपका फीस पेमेंट लगने वाला है और टोटल कितना किस कोर्स के लिए, सॉरी किस सब्जेक्ट के लिए कितना सीट वैकेंट है, इसकी भी हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कशन करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूजी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके रिजल्ट्स की। साथ ही साथ यदि आप ऑफिशियल साइट खोलेंगे तो ऑफिशियल साइट आपको यहाँ पे मिल जाएगा rlbc.ac.in, ठीक है? इसको जैसे ही ओपन करोगे तो ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। जैसे आप नीचे की ओर स्क्रोल करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो कि पीजी के लिए वेकेंट है, पीजी एंड पीएचडी के लिए वैकेंट सीट का लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगा, जो हम आगे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यूजी की डिस्कस कर लेते हैं कि किन स्टूडेंट्स को यहाँ पे सीट अलॉटमेंट। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूजी स्टूडेंट्स का। यूजी स्टूडेंट्स का रिजल्ट की हम बात करें तो यहाँ पे जो लास्ट डेट 28 को यहाँ पे रिलीज किया गया था, तो किन किन स्टूडेंट्स को सीट मिली है। सबसे पहले जिन स्टूडेंट्स का यहाँ पे दो तरीके से सीट अलॉटमेंट हुआ है, एक है वेटिंग लिस्ट और एक है कंफर्मेशन। और जिनका वेटिंग लिस्ट में है उसका मतलब ये है कि जो स्टूडेंट्स ऊपर सीट अलॉटमेंट हुई है, यदि उनमें से कोई सीट नहीं लेता या कोई और वैकेंट सीट हो जाती है तो वो आपको सीट मिल जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे जिन स्टूडेंट्स का नाम है वो स्टूडेंट 17 तारीख से, सॉरी 6 तारीख 3 ऑफिशियल साइट पे, ठीक है, ऑफिशियल आरएलबीसी जो भी रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसमें आपको जाना होगा फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए। ओके, अपने डॉक्यूमेंट्स, जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स आपने जो भी अपलोड किए थे वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना होगा, ठीक है? तो किन किन स्टूडेंट्स को यहाँ पे सीट मिला है, जो हमारे पर्सनल काउंसलिंग के स्टूडेंट थे उनको भी यहाँ पे सीट अलॉटमेंट हुई है, हॉर्टिकल्चर का कोर्स उनको अलॉट हुआ है, हिमांशी और उसके बाद कृष्ण यादव, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको यहाँ पे यूआर कैटेगरी से, ओबीसी से, एससी से, जिनको सीट यहाँ पे अलॉटमेंट हुई है, ठीक है? तो यहाँ पे अलग अलग कोर्सेज के लिए यहाँ पे सीट वेकेंट, जिनको सीट अलॉटमेंट हुए उनका नाम दिया गया है, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, उसके बाद में फॉरेस्ट्री, ठीक है? तो तीन ही कोर्सेज इसमें यूजी के लिए करवाया जाता है। तो तीनों के लिए यहाँ पे आपको पूरा दिखाया गया है कि किन किन स्टूडेंट्स को, अंकिता कुमारी को फॉरेस्ट्री में, राहुल कुमार, नीतू कुमारी, श्रेय सिंह आयुषी, उसके बाद में रिशु राज और उसके बाद में केशव हिमांशी, ठीक है? तो इन सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे सीट अलॉटमेंट हुई है। और 6 तारीख से पहले आपको एडमिशन के लिए वहां पे आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए चला जाना होगा, ठीक है? और ये जो आपका सिलेक्शन हुआ है वो आईसीआर की रैंकिंग के बेसिस पे किया गया है, ठीक है? तो ये यूजी के अपडेट्स हो गई। अब हम वहाँ पे बात करेंगे पीजी एंड पीएचडी के लिए कितना टोटल वैकेंट सीट है और साथ ही साथ आप कैसे एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और कितना सीट वहां पे वैकेंट है, किस कोर्स के लिए, ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं, कितना आपका फीस पेमेंट लगने वाला है फॉर स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग के लिए। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। पीजी एंड पीएचडी के लिए यहाँ पे नोटिस दिया गया है, तो यहाँ पे ये नोटिस डाउनलोड हो जाएगा। तो ये नोटिस आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे कल की डेट पे नोटिस जारी हुआ था, इस पे टोटल वैकेंट सीट कितना है, ठीक है? ये जो है वो पीजी एंड पीएचडी के लिए सीट वैकेंट के लिए दिखाया गया है, ठीक है? तो यहाँ पे एमएससी के लिए कौन कौन सा प्लांट पैथोलॉजी के लिए कितना सीट वैकेंट है, किस कैटेगरी में, कैटेगरी वाइज टोटल सीट यहाँ पे मेंशन किया गया है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, ये हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो टोटल यूजी पीजी सॉरी पीजी एंड पीएचडी की बात करें तो 10 सीट अवेलेबल है। अब कैसे आप इसमें जो कर अप्लाई कर सकते हो, ऑनलाइन फॉर्म आपका रिसीव होगा 12 मार्च 2023 से पहले पहले। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उसमें लगेंगे आपको ईमेल करना होगा, कौन सी उनकी कॉपीज, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिखाया गया कि रैंक कार्ड ऑफ आईसीआर 10-10-12 का मार्कशीट, उसके बाद में आपका टीसी, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री का आपका सर्टिफिकेट, उसके बाद आधार कार्ड, इडोला सर्टिफिकेट, उसके बाद में आपका कैटेगरी और जो भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन, टीसी, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल आपको कॉपीज यहाँ पे इस ईमेल पे आपको सेंड करना होगा। अब यहाँ पे आप बात करें कि पेमेंट आपका कितने लगने वाला है, तो आपको सबसे पहले यहाँ बता दें कि एनटीएस आपको स्कॉलरशिप नहीं दिया जाएगा। 24 स्टूडेंट स्पोर्ट राउंड से सिलेक्शन होंगे, उसको आईसीआर के थ्रू आपका कोई भी एनटीएस मतलब स्कॉलरशिप नहीं दिया जाएगा। और साथ ही साथ जो स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई करेगा एप्लीकेशन फॉर्म के लिए या स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग के लिए, तो यहाँ पे 1000, ठीक है, 1000 रुपये आपका फीस पे
होगा। तो फीस पेमेंट के लिए आपको आरएलबीसी ऑफिशियल साइट पे जाना है। जैसे आप ऑफिशियल साइट पे जाओगे तो वहां पे ई पेमेंट का आपको पास ऑप्शन आ जाएगा। वहां पे आप किस स्टेट से हो, किसके लिए अप्लाई कर, वो सारी चीजें मेंशन करके आपको एसबीआई के बैंक से या किसी भी, ठीक है, लिंक एसबीआई का ओपन होगा, किसी भी बैंक से आप जो है इसमें फीस पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, देन हम बात करें यहाँ पे इनको, ये जो आपका लास्ट डेट है वो 12 मार्च 2023 रहेगा। और साथ ही साथ कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको ये भरना होगा, उसमें क्या क्या यहाँ पे आपका फोटो लग जाएगा, साथ ही साथ आपका इसको कॉपी निकाल लेना है। कॉपी निकालने के बाद आपको नाम, जेंडर, फादर नेम, मदर नेम, आधार कार्ड, उसके बाद में जो भी आप यूपीजी के लिए कर रहे हो तो पीजी एंड पीएचडी के लिए कर रहे हो तो पीएचडी, ठीक है, कैटेगरी कौन सा है और किस कैटेगरी से आप मेंशन करना चाहते हो तो वो, ओके। और रजिस्ट्रेशन नंबर आपका अपने आपको पता होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, एंड देन उसके बाद में आपका ऑल इंडिया रैंक, उसके साथ ही साथ फीस डिटेल्स, उसके साथ डेट, कौन से कहाँ से आप, उसके बाद सारा एड्रेस, उसके बाद में सिग्नेचर, आपको यहाँ पे ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर आपका आपको जो है वो यहाँ पे मेंशन करना होगा। ठीक है, इस तरह से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर फिल कर सकते हो, ऑनलाइन सबमिट कर सकते हो। उसके बाद में आपको आईसीआर किसकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे भी आपको सेंड करना है। ये नोटिस आपको ऑफिशियल साइट पे मिल जाएगा वहां से, और यहाँ पर हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, तो सारी अपडेट्स आपको समझ में आ गई होगी। हमने पीजी की भी बात की, पीएचडी की भी बात की, हमने यूजी की बात किया। ठीक है, तो यूजी का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। पीजी पीजी के लिए यहाँ पे वैकेंट सीट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हो तो डियर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि यदि कोई और यूनिवर्सिटी आपका स्पोर्ट राउंड करवाएगी या कॉलेज लेवल काउंसिलिंग करवाएगी तो हम आपको अपडेट्स कर देंगे। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।